हेलो दोस्तों, वेलकम टू चापडीज। मैं अशोक एक बार फिर आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप किसी भी स्टॉक का और उसका लॉट साइज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने के लिए आपको उसके लॉट साइज को ट्रेड करना पड़ता है फ्यूचर में, तो उसका लॉट साइज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बारे में जो है आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि मेरे कुछ व्यूवर्स ने मुझे कमेंट किया था कि सर किसी भी स्टॉक का जो है लॉट साइज हम कैसे पहचान सकते हैं, कैसे करके हमको पता चलेगा कि इस स्टॉक का क्या लॉट साइज है। तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप में से जितने भी व्यूवर्स का ये कन्फ्यूजन होगा कि लॉट साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें, क्योंकि मैं इसी तरह से स्टॉक और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलरली आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है अपस्टॉक्स प्रो का वेबसाइट है और इसमें जो है आपको क्या करना है कि आपको पहले सपोर्ट में जाना है यहाँ पे, और फिर ये जो टूल्स एंड कैलकुलेटर है इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाला पेज मिलेगा, टूल्स एंड कैलकुलेटर। फिर इसको थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करना है तो उसके बाद आपको ये मिलेगा, देखिए, ब्रोकरेज कैलकुलेटर। तो ये ब्रोकरेज कैलकुलेटर में जो है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर अब जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे इस जगह पे, तो ये नया पेज खुलेगा। तो इस नए पेज में देखिए, ये यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है इंट्राडे के लिए और एक ऑप्शन है डिलीवरी के लिए। तो जैसे भी हम यहाँ पे इंट्राडे के लिए देख रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो अब देखिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं एनएससी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एनएससी सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं फ्यूचर्स। अगर आप इक्विटी में करना जानना चाहते हैं तो आप इक्विटी का देख सकते हैं। ये फ्यूचर्स हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि हमको किसी का भी जो है लॉट साइज जानना है। सपोज कीजिए कि हमको निफ्टी का लॉट साइज जानना है, तो हम जो है यहाँ पे निफ्टी टाइप कर लेते हैं। तो ये आ गया पहला ऑप्शन निफ्टी का। फिर हमने इस पर क्लिक किया, अब ये देखिए यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए निफ्टी का यहाँ पे लिखा हुआ है लॉट साइज 75, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है देखिए लॉट साइज 75, ये है निफ्टी का लॉट साइज। तो जब कभी भी आप निफ्टी ट्रेड करते हैं तो निफ्टी का जो लॉट साइज होता है फ्यूचर में, वो होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में, वो होता है 75 का। मतलब आपको पर एक पॉइंट के मूवमेंट पे 75 रुपीज का प्रॉफिट और 75 रुपीज का लॉस होता है। अब मान लीजिए कि आपको अगर किसी स्टॉक का लॉट साइज जानना है, सपोज कीजिए कि अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लॉट साइज जानना है, आप टाइप करेंगे यहाँ पे SBI। ये देखिए पहला ऑप्शन आया SBI, आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ आ गया लॉट साइज 3000। तो SBI का जो लॉट साइज होता है वो होता है 3000 का। मतलब एक पॉइंट के मूवमेंट पे आपको 3000 का फायदा या 3000 का नुकसान होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लॉट साइज किसी भी स्टॉक का पता कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि अगर आपको किसी और स्टॉक का लॉट साइज पता करना है, सपोज कीजिए कि अगर आपको यहाँ पे जो है ICICI बैंक का लॉट साइज पता करना है, आप यहाँ टाइप कर लेंगे ICICI बैंक। ये ऑप्शन में आ गया ICICI बैंक। अब देखिए ये यहाँ लिखा हुआ है लॉट साइज 2500। तो ICICI बैंक का जो लॉट साइज होता है वो होता है 2500। तो मतलब हर एक पॉइंट के मूवमेंट पे 2500 का फायदा और 2500 का नुकसान। तो इस तरीके से जो है आप किसी भी स्टॉक का या इंडेक्स का या फिर किसी कमोडिटी का, सपोज कीजिए कि अगर आपको कमोडिटीज का देखना है तो आप यहां से कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहां पे आए, आपको जैसे मान लीजिए कमोडिटीज का, तो ये MCX सेलेक्ट कर लिए, फ्यूचर्स। अब मान लीजिए आपको यहां पे गोल्ड का चाहिए, आप यहां पे ये गोल्ड सेलेक्ट कर लीजिए, ये गोल्ड आ गया। तो ये गोल्ड का आ गया यहां पे, है ना। तो इस टाइप से जो यहाँ पे गोल्ड का क्या है कि ये क्वांटिटी में ट्रेड होता है, तो इसलिए ये लॉट साइज नहीं बता रहा है आपको, है ना। तो गोल्ड का जो एक लॉट साइज होता है वो 100 का होता है। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे अगर हम कोई स्टॉक लेते हैं तो स्टॉक में क्या बताता है आपको, ये देखिए आप, ये स्टॉक लिया हमने, ये फ्यूचर सेलेक्ट किया हमने अरविंदो, ठीक है। ये देखिए इसका क्वांटिटी यहाँ पे आ गया है 400। तो जैसे अरविंदो का है ना, सॉरी उसका नहीं है, जैसे ACC का, तो ACC का जैसे हमने ले लिया, ये आ गया यहाँ पे लॉट साइज 400 का। तो इस टाइप से दोस्तों आप किसी भी स्टॉक का या फिर किसी भी मतलब इंडेक्स का
या फिर करेंसी का, कमोडिटीज का, किसी का भी लॉट साइज आपको पता करना है तो आप यहाँ से जो है उसका लॉट साइज को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा और भी जैसे ज़ेरोधा है, ज़ेरोधा की वेबसाइट पे भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, आप वहां से भी उसका लॉट साइज पता कर सकते हैं कि क्या ब्रोकरेज आपको लगने वाला है। इसके साथ साथ जो है आप यहां पे एक चीज़ और पता कर सकते हैं, सपोज कीजिए कि जैसे आपने ACC को ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि आप ACC का 400 का लॉट साइज है, आपने 1466 पे इसे बाय किया और मान लीजिए कि आपने इसको 1467 पे जो है बेच दिया, तो इस सिचुएशन में आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितना गवर्नमेंट चार्जेस लगेंगे और क्या कितना आपका प्रॉफिट लॉस होगा, वो सारा स्टेटस यहाँ पे आ जाता है। ये देखिए आपके टोटल ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 400 रुपए का, क्योंकि एक पॉइंट का मूवमेंट लिया आपने, 400 का लॉट साइज है, 466 पे बाय किया, 467 पे आपने बेचा, एक पॉइंट पे 400 का प्रॉफिट, तो यहाँ एक पॉइंट का मूवमेंट, तो आपका जो प्रॉफिट आया वो 400 रुपए का, गवर्नमेंट के चार्जेस कटे 158.63 रुपए और आपके हाथ में आया नेट ये आपका 241.77 रुपए, ठीक है। तो इस टाइप से जो है, और जैसे आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं प्री ऑर्डर ट्रेडेड फी से 40 रुपए, मतलब 20 रुपए खरीदने पे, 20 रुपए बेचने पे, STT CTT ट्रांजेक्शन चार्जेस, सर्विस टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी टर्नओवर फीस, इस टाइप से जो है आप सारा कुछ मतलब चार्जेस भी यहाँ पता कर सकते हैं कि कोई भी स्टॉक को जब आप खरीदते या बेचते हैं फ्यूचर में तो आपको कितना मतलब चार्जेस लगेगा, कितने उसके मतलब STT लगेगा, ट्रांजेक्शन चार्जेस क्या लगेंगे, ये सब कुछ भी जो है आप यहाँ पे पता कर सकते हैं लॉट साइज पता करने के साथ साथ, ठीक है। तो ओके दोस्तों, आई थिंक आपका अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम किसी भी स्टॉक का लॉट साइज कैसे पता कर सकते हैं और उसके चार्जेस और ब्रोकरेज ये सब का कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, कि एंड ऑफ द डे हमें सब चार्जेस काट के कितना हमारे हाथ में आएगा, ये सब कैसे पता कर सकते हैं, ये आपको ये समझ में आ गया होगा इस ब्रोकरेज कैलकुलेटर के माध्यम से, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक करें, अपने फेलो ट्रेडर्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ सेफ एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग फॉर यू, थैंक यू, बाय बाय।